शहरी करनाल प्रशासन के सार्थक प्रयासों से अब सेफ जोन की ओर अग्रसर हो रहा है। आपको बता दें कि किस तरह से करनाल के उपायुक्त, पुलिस कप्तान, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और अन्य अधिकारियों ने काम किया है, वह बेहद ही सराहनीय है। इन सभी के सार्थक प्रयासों का परिणाम यह आया है कि अब करनाल में कोई भी कोरोना का केस पॉजिटिव नहीं है। दो मरीज जो कि कोरोना की चपेट में थे, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। हालांकि उनकी एक रिपोर्ट अभी और आनी बाकी है, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी ने थोड़ी राहत महसूस की है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों से अपील है कि जिस तरह का सहयोग उन्होंने प्रशासन को पहले किया है, वह आगे भी जारी रखें ताकि इस बीमारी को हराया जा सके। आपको बता दें कि जब से कोरोना की बीमारी ने पैर पसारे हैं, तब से ही करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव, पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया, सिविल सर्जन अश्विनी आहूजा सहित अन्य कई अधिकारी दिन रात जाकर इस बीमारी से निपटने की कवायद में जुटे हुए हैं। पुलिस द्वारा जहां लोगों को लगातार घरों में रहने की अपील की जा रही है, आपको बता दें कि प्रत्येक स्थान पर पुलिस का नाका है ताकि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना आए, क्योंकि इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि घरों में रहें और सुरक्षित रहें। इसी तरह पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भूरिया और उनके सभी अधिकारी दिन रात जाकर सड़कों पर पहरा दे रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इसी तरह से उपायुक्त निशांत कुमार यादव भी लगातार अपने काम में जुटे हुए हैं। लोगों को कोई समस्या ना आए, इसका भी ध्यान किया जा रहा है। जरूरतमंदों तक राशन के साथ साथ अन्य वस्तुओं को भी पहुंचाया जा रहा है। लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका निपटान करना तथा सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना के लिए लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जो कि कोरोना से निपटने के लिए जगह जगह तैनात है, उनके द्वारा किए जा रहे काम भी सराहनीय है। सामान्य अस्पताल हो या फिर मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति को ना केवल सैनिटाइज किया जा रहा है बल्कि उसका तापमान भी जांचा जा रहा है ताकि जरा सी भी चूक की आशंका ना हो। इतनी ही नहीं, मोबाइल वैनों के माध्यम से गांव-गांव में जाकर लोगों के स्वास्थ्य को भी जांचा जा रहा है। कुल मिलाकर समाचार एक्सप्रेस की टीम करनाल प्रशासन के इन सभी प्रयासों को सराहनीय बताती है और कोरोना वॉरियर्स को नमन भी करती है। करनाल प्रशासन भी इस देशभक्ति को करनाल के लोग भी कभी नहीं भूलेंगे। करनाल की जनता भी करनाल प्रशासन के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है और जिस तरह से करनाल प्रशासन लोगों के जीवन को बचाने में जुटा है, उसके लिए करनाल की जनता उन्हें दिल से सलाम करती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.